आदेश आदेश आदेश। इसी सप्ताह की बात करें तो इसी सप्ताह 10 तारीख को दुर्गा अष्टमी है। उसी दिन शाकंभरी नवरात्र के प्रारंभ होंगे। उसी दिन की बात करें तो वर्ल्ड हिंदी दिवस 1 सितंबर 1956 के दिन राष्ट्रभाषा की तौर पे हिंदी का स्वीकार हुआ। 1975 में यही दिन यानी 10 जनवरी को नागपुर में हिंदी सम्मेलन भरा गया। तभी उसके बाद वर्ल्ड हिंदी दिवस इसको डिक्लेयर कर दिया गया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम अंग्रेज के पीछे के अंग्रेजी भाषा के पीछे दौड़ते दौड़ते हमारी असलियत कई ने कई घुमा रहे हैं। मातृभाषा राष्ट्रभाषा जैसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका सम्मान होना चाहिए, इसका उपयोग होना चाहिए। हम कतराते, आज के यंगस्टर्स ज्यादातर कतराते हैं हिंदी का उपयोग करने। ये जरूरी नहीं है कि विश्व के अंदर आप अपनी भाषा बोलोगे तो लोग भगा देंगे। जगत के अंदर आज चाइना देख लो, रशिया देख लो, दूसरे देश देख लो, फ्रांस देख लो, वो लोग अपनी भाषा को उपयोग महत्तम करते फिर भी लोग उनको मानते हैं। यानी भाषा का महत्व बहुत है, इसको जीवंत रखना है और हम सबको हिंदी का उपयोग करना है। बात करें 11 तारीख को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा सरदर्द है विश्व के अंदर, भारत के अंदर भी है। चौराहे पे भीख मांगते लोगों के से लेके बच्चों से लेके पेशावृत्ति करती स्त्रियों तक का ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। कई देहातों में आज भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जोर जुलम जबरदस्ती हो रही है। इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए और इसको बंद करवाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। उस दिन की बात करें तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वो लाल बहादुर शास्त्री, जिनको मरणोत्तर भारत रत्न भी दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 के दिन जन्मे थे और 11 जनवरी 1966 के दिन शांत हो गए। भारत के आजादी में 1920 से लग गए थे, यानी 16 साल की आयु से ही आजादी की चलवल में लग गए थे। स्नेह स्नेह आगे बढ़ते गए। भारत जब आजाद हुआ तब 1947 से लेके अलग अलग प्रधानमंत्रियों की जवाबदारी भी निभाई, मगर सादगी का बेनमून उदाहरण, बेनमून उदाहरण, इनके जैसी सादगी कोई न कर सके। वो जो शांत हो गए तो भी कुछ नहीं निकला इनके पीछे। भारत का मुख्य प्रधान होते हुए भी कुछ नहीं मिला। सलाम है ऐसे नेताओं को जिन्होंने राष्ट्र की भलाई के सिवाय कुछ नहीं सोचा। बात करते उसी दिन नेशनल रोड सेफ्टी वीक चालू होगा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का ये सप्ताह चालू होगा। ये सप्ताह सड़क सुरक्षा का, ट्रैफिक का जो नियमन है उसको पालन करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ ट्रैफिक के नियमन को न पाले हम तो क्या होता है, बहुत तकलीफ होती है। बेजुनून ड्राइविंग, ड्राइविंग फॉर लिविंग, जीना है और एंजॉयिंग करने के लिए ड्राइविंग करते हो, मरने के लिए नहीं, ये सूत्र है, ध्यान रखना जरूरी है।
12 तारीख को स्वामी विवेकानंद की जयंती है, उसको भारत देश में 1984 से नेशनल यूथ डे के नाम से भी मनाया जाता है। 1902 में विवेकानंद जुलाई महीने में शांत हो गए, बहुत कम जिए थे। इनकी यात्रा छोटी रही मगर बहुत ख्यातनाम रही। 1783 में जब शिकागो गए थे तब इन्होंने हिंदू धर्म का डंका बजा दिया था। क्रांतिकारी संत नमन है इनको। 13 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, 14 तारीख को मकर संक्रांति, लोहरी, पोंगल, जो बोलो वो है। ऐसे पोंगल तो 3 दिन मनाया जाता है, मकर संक्रांति गुजरात के अंदर 2 दिन मनाया जाता है, इसको उत्तरायण बोलते हैं क्योंकि सूर्य का उत्तर की ओर भ्रमण चालू हो जाता है। तिल खाने का महत्व है, तिल का दान दिया जाता है, गेहूं का दान दिया जाता है, गेहूं खाया जाता है ये। और लोहरी तो आप जानते हो कि रात को अग्नि जला के होली की तरह है, इसके अगल बगल में पंजाब में भांगड़ा होता है। पोंगल की बात करें तो मीठा पहाड़ बनाया जाता है, कोकोनट और ये सब डाल के, कोपरा डाल के, तो वो साउथ की परंपरा है। मगर पूरे देश में ये 14 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि धीरे 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 सने सने दिन बड़ा होता जाएगा और साथ साथ ऐसा बोला जाता है कि ठंडी की मौसम भी चली जाएगी और एक पाक लेने की सीजन पूरी होगी। ये पूरी व्यवस्था है हमारे धर्मों में त्योहारों की और यही त्योहार हमारी संस्कृति है। गुजरात में पूर्णतः काइट फेस्टिवल चलता है, पतंग चगाई जाती है और बहुत बड़े पैमाने पर 14 और 15 तारीख को मनाया जाता है, लोग एंजॉय करते हैं। हर एक का माहौल, हर एक की संस्कृति अलग है। विविधता में एकता वाला देश है भारत, ये यहां साबित होता है। बात करें 15 तारीख को, तो 15 तारीख को इंडियन आर्मी डे है। इंडियन आर्मी 1949 में 15 जनवरी को ब्रिटिश आर्मी से हमने कब्जा लिया था, उस दिन से ये दिन मनाया जाता है। विश्व के अंदर जो आर्मी है अलग अलग देशों की, मगर इसमें इंडियन आर्मी की गिनना अव्वल नंबर पे होती है। इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी व्यवस्था, और इंडियन आर्मी ने बहुत सालों की शांति में भी काम किया है, शांति समिति में भी काम किया है और इंडियन आर्मी में हिंदुस्तान के लिए भी युद्ध किए हैं। इन दिनों में यानी हर साल 15 जनवरी को जो सैनिक शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और साथ साथ उसी दिन कई सैनिकों का सम्मान भी किया जाता है। ये चैनल आप तक पहुंचा रहा है भारत देश की विविध बातों, संस्कृति की बातें, समृद्धि की बातें और पूरे विश्व में जो जो चल रहा है वो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, इसको आगे भेजिए, लोगों तक पहुंचाइए। सच्चाई है, लोगों तक पहुंचानी जरूरी। अस्तु, शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।